हाय गाइस, अगर आपके घर वाले या आपके जानने वाले मनरेगा में मजदूरी करते हैं, मनरेगा के तहत कामों में, जो मनरेगा में जो छोटी छोटी गड्ढे खोदे जाते हैं, रोडे बनाई जाती है, मनरेगा के मजदूरों से काम लिया जाता है, तो अब सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कुछ मनरेगा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए कि उनके साथ ये ना होने पाए। अगर आप भी मनरेगा में काम कर रहे हैं, लोग अगर मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो आपको भी आधार कार्ड के बारे में, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मनरेगा के कौन से नियम सरकार ने बदले हैं। अपडेट के बारे में, जो अपडेट बहुत बुरा है सभी मनरेगा कर्मियों के लिए। आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से 1.70 करोड़ मजदूरों का छीना रोजगार। अब मनरेगा की मार में फंसी मोदी सरकार, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं किस तरीके से ज्यादातर मनरेगा के मजदूरों को समस्या आने वाली है। तो दोस्तों आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि चुनावी साल में फैसला मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक मनरेगा योजना, ये भारत सरकार की एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरुआत साल फरवरी 2006 में हुई थी। मनरेगा योजना नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, मगर नए साल की शुरुआत से इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS अनिवार्य कर दिया है। इस नए पेमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों से यह रोजगार छिन गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। ग्रामीण मजदूरों के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए केंद्र ने मनरेगा योजना के सभी लाभार्थी के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य किया है। इसके तहत आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक कराना होता है। ये प्रक्रिया पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य पूरी करते हैं। साथ ही आधार को लाभार्थी मजदूर के बैंक खाते से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ सिस्टम NPCI आधार को मैप कर लेता है। सरकार का कहना है कि सिस्टम से मजदूरों को भुगतान में देरी नहीं होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। ABPS अनिवार्य करने के लिए जनवरी 2023 में एक आदेश जारी किया गया था और 1 फरवरी की समय सीमा तय की गई थी। इसके बाद पहले समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया गया, 30 जून तक, इसके बाद 31 अगस्त और आखिरी समय में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। आने वाले समय में अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से यह योजना गरीब मजदूरों के लिए खराब है, आइए जानते हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य करने के फैसले को कांग्रेस पार्टी गलत बता रही। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश के एक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने नए साल पर देश के सबसे गरीब परिवारों को सबसे क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके परिवार चलाने वाले करोड़ों गरीबों के से उनका अधिकार छीन लिया। कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हम अपनी 30 अगस्त 2023 की उस मांग को दोहराते हैं, मोदी सरकार को कमजोर भारतीयों को उसके सामाजिक कल्याण के लाभ से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी और आधार को हथियार बनाना बंद कर देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनरेगा योजना के तहत मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नागालैंड में, मेघालय, असम, लक्षद्वीप, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनरेगा योजना के सबसे ज्यादा मजबूर पेमेंट के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। कैसे मनरेगा का डेटा सरकार के लिए मुश्किल साबित होगी, मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट है कि चुनावी साल में मनरेगा का यह डेटा सरकार की मुश्किल पैदा कर सकता है। सरकार को इस डेटा को गंभीरता से लेने और मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यानी कि अगर आपको कहीं ना कहीं आपका आधार कार्ड जॉब कार्ड से लिंक नहीं हो पाता है, जॉब कार्ड आपके NPCI से मैप नहीं पाता है, वो आपका पेमेंट कभी भी नहीं आएगा, चाहे आप काम करें या ना करें। काम करेंगे तभी आना चाहिए, नहीं करेंगे तो वहां पे तो धांधली होती है, लोग दिखा के पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने इसीलिए लागू किया ताकि पारदर्शिता आए मनरेगा में। मनरेगा में बहुत मोटा बजट भी दिया जाए। चुनावी साल में फैसला मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक मनरेगा योजना, ये भारत सरकार की एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसकी शुरुआत साल फरवरी 2006 में हुई थी। मनरेगा योजना नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है, मगर नए साल की शुरुआत से इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS अनिवार्य कर दिया है। इस नए पेमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों से यह रोजगार छिन गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। ग्रामीण मजदूरों के सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए केंद्र ने मनरेगा योजना के सभी लाभार्थी के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य किया है। इसके तहत आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक कराना होता है। ये प्रक्रिया पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य पूरी करते हैं। साथ ही आधार को लाभार्थी मजदूर के बैंक खाते से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ सिस्टम NPCI आधार को मैप कर लेता है। सरकार का कहना है कि सिस्टम से मजदूरों को भुगतान में देरी नहीं होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। ABPS अनिवार्य करने के लिए जनवरी 2023 में एक आदेश जारी किया गया था और 1 फरवरी की समय सीमा तय की गई थी। इसके बाद पहली समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया गया, 30 जून तक, इसके बाद 31 अगस्त और आखिरी समय में 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। आने वाले समय में अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से यह योजना गरीब मजदूरों के लिए खराब है, आइए जानते हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य करने के फैसले को कांग्रेस पार्टी गलत बता रही। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश के एक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने नए साल पर देश के सबसे गरीब परिवारों को सबसे क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके परिवार चलाने वाले करोड़ों गरीबों के से उनका अधिकार छीन लिया। कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हम अपने 30
2017 2023 की उस मांग को दोहराते हैं। मोदी सरकार को कमजोर भारतीयों को उसके सामाजिक कल्याण के लाभ से वंचित करने के लिए टेक्नोलॉजी और आधार को हथियार बनाना बंद कर देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है 100 दिन की रोजगार की गारंटी मनरेगा योजना के तहत मिलती है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नागालैंड में, मेघालय, असम, लक्षद्वीप, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनरेगा योजना के सबसे ज्यादा मजबूत पेमेंट के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। कैसे मनरेगा का डेटा सरकार के लिए मुश्किल साबित होगी, मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट है कि चुनावी साल में मनरेगा का डेटा सरकार की मुश्किल पैदा कर सकता है। सरकार को इस डेटा को गंभीरता से लेने और मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यानी कि अगर आपको कहीं कहीं आपका आधार कार्ड जॉब कार्ड से लिंक नहीं हो पाता या जॉब कार्ड आपके NPCI से मैच नहीं पाता है तो आपका पेमेंट कभी भी नहीं आएगा, चाहे आप काम करें या ना करें। काम करेंगे तभी आ रही, नहीं करेंगे तो वहां पे तो धांधली होती है, लोग दिखा के पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार ने इसीलिए लागू किया ताकि पारदर्शिता है मनरेगा में। मनरेगा में बहुत मोटा बजट भी दिया जाता है। मेरी कहते हैं जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।